तो गाइस इंस्टाग्राम वायरल रील्स को बनाने के लिए जिसमें आप एक लड़का को स्लो और फास्ट मोशन में चलते हुए कैसे आप एडिट करेंगे वही मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में आप काइन मास्टर नहीं, आपको ज़रूरत पड़ेंगे एक VN ऐप को जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसे ओपन करने के बाद जो प्लस वाला सिंबल है उसमें क्लिक करके आपको न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। फिर आपको वो लड़का जो चल रहा था उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए पहले आपको उस वीडियो को एक बार देख लेना है, ये है नॉर्मल वो वीडियो। तो एक बार पूरा देखने के बाद यहाँ पर जो लास्ट में खाली स्पेस है उसको आप क्लिक करके उसे आप डिलीट कर दीजिए। लास्ट में जाइए और इसे क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो डिलीट वाला बटन है उसमें डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आपका फर्स्ट काम होता है कि ये जो लड़का है उसको आप जो फिल्टर है फिल्टर एडजस्ट कीजिए। सो फिल्टर को आप पहले ही कर लीजिए क्योंकि बाद में हम इसे टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, बहुत छोटे छोटे इसे टुटे टुटे करने वाला है हम। और लड़का को बीच में ला के आप थोड़ा कलर एडजस्टमेंट करेंगे तो अच्छा दिखेगा, क्योंकि आपको इससे ये पता चलेंगे कि कौन सा कलर इसमें जस रहा है। जैसे आपका कलर फिल्टर एडजस्ट हो जाएंगे तो आप वहाँ पर जो ऊपर में एडजस्ट वाला ऑप्शन है उसमें क्लिक करके थोड़ा सा ब्राइटनेस और कॉम्प्रोमाइज़ या ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ये सब आप एडजस्ट कर लीजिए। आप टाइम लेके धीरे धीरे कीजिए, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप वीडियो को एक बार प्ले होने दीजिए और आपको पता चलेगा कि देखने में कैसा है। अभी आते हैं, अगर आपके वीडियो थोड़ा फ्रेम में कुछ उल्टा पुल्टा है तो थोड़ा आप क्रॉप भी कर लीजिए। यहाँ पर क्रॉप पे क्लिक करके मेरा क्रॉप करने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एडिटिंग पे चलते हैं। सबसे पहले आपको उस पार्ट को कट कर देना है जिस पार्ट में आपका फ्रेम खाली है। तो अभी देखिए तो यहाँ से इतना मेरा खाली है, वहाँ पर मैं पहले उसे ट्रिप कर लूँगा, उसके बाद उस इस जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे मैं क्लिक करके डिलीट कर दूँगा। अभी देखिए मेरा फ्रेम खाली नहीं है, तो जैसे वीडियो प्ले होता है वो लड़का सामने आ जाता है। तो आपको इस तरफ का फर्स्ट जो खाली स्पेस है उसे काट देना है। उसके बाद आपको बारीकी से जो उसका कदम कदम पे आपको छोटे छोटे टुकड़ा करना कर लेना है। जैसे वो कदम नीचे गिरा के आपको टुकड़ा कर लेना है। मैं अभी जस्ट ऐसे कर रहा हूँ, आपको टाइम लेके थोड़ा टाइम देना है तो आपका वीडियो बहुत अच्छा दिखेगा। तो आपको क्या करना है, कौन पहले टुकड़ा कर लेना है, उसके बाद कब स्लो कब फास्ट वो आपका मुताबिक दे सकते हैं। तो मैं हर कदम पर एक एक क्रॉप टुकड़ा कर रहा हूँ। तो इस तरह क्या कर लीजिए, आप भी जितना है उतना कर लीजिए। करने के बाद आप वीडियो को एक बार फिर से प्ले कर दीजिए। प्ले करने में थोड़ा सा इस तरह रुक रुक के चलेंगे, लेकिन जैसे वीडियो एक्सपोर्ट होगा सब कुछ सही हो जाएंगे। आपको सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखते जाना है। उसके बाद हमें फर्स्ट स्टेप को छोड़ देना है और जैसे ही सेकेंड स्टेप पर वो आएँगे इस ऑप्शन को क्लिक करके नीचे आप टाइम स्पीड का ऑप्शन दिखेगा, आपको स्पीड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अभी इस पार्ट को मुझे स्लो करना है तो स्पीड पे क्लिक करके यहाँ पर जो कार्व है उसको हटा के रेगुलर पे रखना है और आपको 0.2 सेकेंड इस तरह स्लो करना है। स्लो करने के बाद अभी प्ले कीजिए, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी स्लो हो गया है। आप जितने सेकेंड ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा स्लो होंगे। उसके बाद स्लो मोशन से लेके थोड़ा सा फास्ट रखना है और जैसे ये लड़का मेरा तरह मुड़ेगा उस पार्ट को मुझे स्लो करना है। फिर से मैं रेगुलर पे जाके थोड़ा सा स्लो कर दिया, इससे क्या होगा कि वो जो लड़का है वो इस तरह जैसे मुड़ता है उस पार्ट को मुझे स्लो करना है तो वीडियो बहुत अच्छा दिखेगा। तो इसी तरह क्या करना है, आपको भी हर एक फ्रेम को थोड़ा सा फास्ट थोड़ा सा स्लो करना है। अभी यहाँ पर पार होके वो जैसे जा रहा है उस पोजिशन को थोड़ा सा स्लो रखना है। स्लो को आप कम ज़्यादा रखिए तो जो वीडियो है वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। उसके बाद जो लास्ट एंडिंग है उसमें हम थोड़ा सा स्लो लगा देंगे, स्लो इफेक्ट। तो लास्ट में अगर आपका थोड़ा कम है तो उसको आप फिर से थोड़ा काट लीजिए तो दो टुकड़ा में हो जाएंगे, फिर से आपका अच्छा दिखेगा। तो आप दो टुकड़ा में से एक टुकड़ा को स्लो कर दीजिए। अब ये वीडियो का एंडिंग पार्ट है, इसको स्लो करने के लिए देखिए थोड़ा सा स्लो कर दिया। तो अभी वीडियो प्ले करके आप देखिए पूरा वीडियो को। जब आप एडिट करेंगे तो आपका वीडियो हो सकता है कि रुक रुक के चले, लेकिन जैसे एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक दिखेगा। एक बार पूरा देखने के बाद आपका जो सेकेंड स्टेप होता है वो है कि इसमें म्यूजिक लगाना। तो म्यूजिक लगाने के लिए ऊपर में जो म्यूजिक का बटन दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा।
ओके तो वहाँ पर क्लिक करके म्यूजिक पे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने का बाद जो गाना आप लगाएंगे जैसे कि पतली कमर, सो मैं ये गाना को चूज करने वाला हूँ। वो गाना लगाने का बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, वरना आप ओके कर दीजिए। तो अभी गाना को प्ले करके आप देखिए वीडियो कैसा लगा। ओके वीडियो बहुत ही स्मूथ चल रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो गाना है वो ख़त्म हो गया है। अभी जस्ट कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर जो गाना वाला पोजीशन है उस पोजीशन पे लाके आपको फिर से उसी गाना को वहाँ से शुरू करना है। यहाँ पर लाइए, फिर से म्यूजिक में जाना है, उसी गाना को वहाँ से आप ऐड कर दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। अभी प्ले करके देखिए वो जो गाना है वो लास्ट तक आ गया है। अभी आपको एक बार प्ले करके सुनना होगा। ओके सुनने का बाद अगर आपको कुछ एडजस्ट करना है तो अभी भी आप कर सकते हैं। अभी जो लास्ट स्टेप है, यहाँ पर जो वीडियो मेरा कंप्लीट हो गया है, इसका आप एक्सपोर्ट में जाके इसका रिजोल्यूशन सेट कीजिए, 720 या फिर 1080 रखिए तो अच्छा होगा, और FPS आपको 30 रखना है। उसके बाद आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए तो आपका जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे कुछ सेकंड के बाद। कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपका जो वीडियो है वो गैलरी में सेव हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली बाहर आ जाइए। उसके बाद गैलरी में जाके आप चेक कीजिए। अभी देखिए वो गैलरी में वो वीडियो फर्स्ट में रहेगा, तो अभी इसको प्ले करके आप सुनिए। देखिए अभी पूरा स्मूथ चल रहा है वीडियो। फिर इस वीडियो को आप इंस्टाग्राम या कहीं पर भी आप रील्स में लगा सकते हैं। बस इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस चैनल पर आपको सिनेमेटिक व्यूज, माइक्रो लेंस प्लस आपको इंस्टा रील्स जैसे वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल सीखने को मिल जाएंगे। तो गाइस वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक्स।